शहर के डाबड़ा रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जिला उपायुक्त अशोक मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात विख्यात खिलाड़ी अखिल कुमार और नगर निगम हिसार के आयुक्त डॉक्टर जे के आभीर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। संस्थान के छात्र और छात्राओं ने अपने हुनर को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रदर्शनी में रखे, जिसे आम शहरवासियों ने जमकर सराहा। संस्थान के पूर्व छात्र जो वर्तमान में अपने अपने क्षेत्र में अपनी बुलंदियों के झंडे गाड़ रहे हैं, मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्हें संस्थान द्वारा सम्मान देकर नवाजा गया। हालांकि आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिसार लोकसभा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह का आना प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पहुंच नहीं सके, जिसके बाद जिला उपायुक्त ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर छात्र और छात्राओं को संबोधित किया और उन्हें सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त अशोक मीणा ने कहा कि हुनर किसी सर्टिफिकेशन का मोहताज नहीं है और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बहुत कम शैक्षणिक योग्यता के व्यक्तियों में भी ऐसा हुनर है जिसे देखकर दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। उपायुक्त अशोक मीणा ने दिग्गज कंपनी फेसबुक, व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि इनके मालिकों की शिक्षा इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने इनोवेशन के बल पर पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया। जिला उपायुक्त ने कहा कि देश में हुनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस तरीके के उद्योग यहाँ पनप नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते हमारे होनहार युवाओं को विदेशों का रुख करना पड़ता है। और आज दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के प्रमुख पदों पर भारतीयों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। जिला उपायुक्त ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने की सख्त आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से भी आग्रह किया कि इस प्रकार की खोजों पर वह बच्चों से अधिक काम करवाए। तो कई बार सरकार को इश्यू रहते हो बार बार, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, सिटिंग स्पेस कैसे बढ़ाया जाए, तो हर क्षेत्र में उसको इम्प्रूव करने का बहुत बहुत स्कोप है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इनोवेशन पर विशेष ध्यान दें, किस प्रकार से चीजों में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। भारतवर्ष में इनोवेशन की बहुत कमी है और ये इसका साक्षात उदाहरण है कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ सारे इंडियंस हैं। मान लो चाहे माइक्रोसॉफ्ट, चाहे गूगल है, गूगल विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके जो सीईओ है मिस्टर पचाई, वो इंडिया से हैं, भारतवर्ष के हैं। तो आप देखेंगे गूगल का सीईओ भारतीय है। इसके बाद आप देखेंगे कि बड़े बड़े बैंक का सीईओ भारतीय है। तो बड़ी बड़ी विश्व की अमरीका की सबसे बड़ी कंपनी है, उन सबके सीईओ जो सीईओ कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कि एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि पूरी कंपनी को देखता है, वो इंडियन से ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी हम नहीं बना पाते क्योंकि हम इनोवेशन पर बल नहीं देते और इनोवेटिव एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देते। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि टीचर से भी मेरा अनुरोध है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं कि किस तरह से चीज को बेहतर बनाए। मान लो आपने एक चेयर बनानी है तो आप 10 अलग अलग स्टूडेंट्स को दे सकते हैं चेयर बनाने के लिए। हो सकता है सब अलग अलग तरीके से बनाए और हो सकता है कोई बेहतर तरीके से बनाए।